यो वो सब आई नो बहुत सारे लोगों ने ऐसा लगी वीडियोज़ जो मैं पहले डालता था वो बहुत सारी वीडियोज़ मिस करिए मेरे बहुत सारे लोगों को मैसेज भी आया था तो भाई प्लीज़ अपनी वो वाली वीडियोज़ अनलिस्ट मत करो उसको पब्लिक कर दो पता मेरे को शुरुआत में लगा था कि भाई कुछ लोग उस चीज़ को एग्री करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं तो फाइन पार्ट ऑफ द गी लेकिन मुझे लगा कि शुड भी ऑप्टेमस्टिक जो लोग एग्री करते हैं जो लोगों को जनवली बेनिफिशल लगती है उन लोगों के लिए वो चीज़ ठीक रहेगी ठीक है मेरे को अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए ठीक है तो मैंने वो सारी वीडियोस दोबारा से पब्लिक कर दिया तो मैं देखना हो दोबारा देखना हो तुम देख सकते हो तो आज का टॉपिक जो होने वाला है काफ़ी एक ऐसा टॉपिक है कि जो मैं खुद से रिलेट कर पाता हूँ पता है एक आदमी की जिंदगी में एक फेज़ ऐसा आता है जहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता ठीक है तुम फ्रस्ट्रेड हो जो तुम्हारी बॉडी को लेकर तुम्हारी बॉडी नहीं बन पा रही है तुम गुस्सा होते हो तुम्हारी बंदी नहीं बन पा रही है तुम पैसे नहीं कमा पा रहे हो एक ऐसा फ़ेज़ आता है डाउनर फेज़ जहाँ पर तुम जितने ही हाथ पैर मार रहे हो तुम बाहर नहीं निकल पा रहे हो ठीक है अब उस फेज़ में ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं क्विट ये जो फेज़ आता है ना लाइफ में जहाँ पे तुम हाथ पैर मार रहे होते हो बाहर निकल नहीं पा रहे होते हो यहाँ पर बहुत सारे लोग करते हैं क्विट ठीक है यही यहीं पर सत्तर से लेकर अस्सी लोग जनता छोड़ देती है ठीक है और यही चीज़ डिटरमाइन करती है कि तुम आगे लेके अपने एम्पायर को जाओगे या नहीं तो मेरे कहने का सिर्फ एक मतलब ये है कि अगर तुम उस फेज़ में हो जहाँ पे तुम हर रोज़ मेहनत कर रहे हो कांस्टेंट तुम एफ़र्ट्स डाल रहे हो कांस्टेंट रेप्स डाल रहे हो हर एक चीज़ के अंदर और तुम्हें रिजल्ट्स नहीं दिख रहे जस्ट नो वन थिंग कि यू हैव टू change चेंज द or और द but बट यू डोंट हैव टू स्टॉप कोई एक चीज़ काम नहीं कर रही है कोई दूसरी चीज़ ट्राई करो दूसरी नहीं कर रही है तीसरी करो दूसरी चीज़ एक तरीके से नहीं हो रही थी उसको दूसरे तरीके से करो ठीक है हाथ पैर मारो वो टाइम होता है हाथ पैर मारने का अगर तुम हाथ पैर मारते मारते गए, रेस्ट लो एक दिन होल्ड करो दूसरे दिन फिर से बैठो ठीक है क्योंकि अगर तुमने उस टाइम पर कोईट कर दिया ना भाई इट्स तो ओवा ठीक है उस टाइम पर अगर तुमने कोईट कर दिया तो आई थिंक इट्स उसके बाद तुम्हारे पास कभी कहानी नहीं होगी बोलने के लिए एंड यू अबाउट इट समझे इस चीज़ को तो किस हमेशा ध्यान में रखना कि जब तुम अपने उस थ्रेश होल्ड पॉइंट पर रीच हो जाओ जहाँ पर तुम्हें जिंदगी में सब कुछ एक नकारा सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा सब कुछ तुम्हारा अपोजट चल रहा है तुम्हारे घर वाले तुम्हारी सुन रहे हैं ठीक है तुम्हारी बंदी ने तुम्हें थोड़ दिया ऑल ऑफ दीज थिंग्स जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही है बस समझ जाना कि वो थ्रेश पॉइंट रीच हो चुका है यहाँ पर तुम्हें एक इंस्टेंट पुश चाहिएगा और इंस्टेंट पुश तुम्हें पूरी दुनिया में कोई नहीं देगा सिवाय तुम्हारे या फिर तुम्हारा कोई बहुत ही क्लोज़ एक दोस्त है उसके समझो मेरी बात इस थ्रेशोल्ड पॉइंट से तुम्हें अगर निकलना है ना तो खुद ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे मैं तुम्हें हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ समझाता आया हूँ कि इस पूरी दुनिया में ना तुम्हें सिर्फ तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई नहीं बता सकता भाई ठीक है क्योंकि द वर्ल्ड वी लिव इन इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड मैं तुम्हें हमेशा एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर तुम जानना चाहते हो कोई तुम्हारे कितना क्लोज है तुम बस एक अमाउंट गैस कर लो भाई हर एक चीज़ बिक जाती है पैसों के अंदर कॉरपोरेशन मुख्यमंत्री पॉलिटिक्स सब कुछ सब कोई बिक जाते हैं भाई पैसों को लेके सब कोई बिक जाते हैं ठीक है तो अगर कोई इंसान भी बिक सकता है पैसों के अंदर चीज़ें तो बहुत बहुत ही लाजमी सी बातें बिक जाएगी ठीक है और तुम्हें लगता है कि कोई इंसान आगे तुम्हें ऊपर उठाएगा स्पेशल पॉइंट से ऊपर लेके जाएगा तो मेरे हिसाब से तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो बड़े भाई या छोटे भाई जो भी हो समझ रहे हो अपने आप से झूठ बोल रहे हो स्ट्रगल की डेज में एक अकेला इंसान एक खुद ही राइज कर सकता है बहुत रेयर ऐसे चांसेस होंगे जहाँ पे कोई इंसान आकर तुम्हारी मदद करेगा तो मैं ऊपर उठाएगा समझ लूँ मेरी बात को तो इन शॉर्ट में तो उसको ये समझाना चाहता हूँ कि कभी भी यू मत सोचना कि तुम उस अगर फेज में आ चुकी हो तो मैं क्विट कर देता हूँ मैं गिव अप कर देता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक है अगर तुमने क्विट और गिव अप कर दिया ना भाई तो जो तुमने शुरू किया था ना उससे कोई पॉइंट नहीं होगा वो भी वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा ठीक है मेरी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पे मैंने पैसे कमाए और एक टाइम में पैसे आने कम हो गए रुक गए खत्म हो गए ठीक है अब उस पॉइंट पे मैं बहुत हाथ पैर मारा था हाथ पैर मारा था क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ लेकिन धीरे धीरे रास्ते निकल के आते हैं एक दिन में नहीं आते दो दिन में नहीं आते एक हफ्ते में नहीं आते दो हफ्ते में लेकिन एक महीने आते में आते हैं दूसरे महीने चीज़ें फिर बेटर होती है लाइफ कभी भी कॉन्स्टेंट अपवर्ड स्पायरल नहीं होगा नो मैटर वट यू डू समझ रहे हो तुम अगर बिलियन्स कमा रहे हो तो मिलियंस का लॉस नीचे हो सकता है वो चीज़ तुम्हें बी देगा और लोगों के लिए वो होगा भाई बस तो करोड़ों रुपए है लेकिन लैक्स का दर्द तो होगा ना कि पचास तेईस साल साठ सत्तर लाख रुपए जो गवाए समझ रहे हो तो डजेंट मैटर तुम अपनी पूरी जिंदगी में खाँ पे हो डाउन्स और अप्स पार्ट ऑफ द गेम है इसको कभी भी मत भूलना कोई भी तुम्हारा अपवर्ड ग्रोथ या डाउनवर्ड ग्रोथ ये सब चीज़ें होएंगी ठीक है इनसे कभी स्ट्रेस आउट मत होना इनको मोटिवेशन लेना इट्स मे बी टाइम फॉर मी टू चेंज माई मूव माई स्ट्रेटेजी माई प्लान्स माई गोल्स कुछ तो चेंज करना पड़ेगा जो अगर मैं चेंज नहीं करूँगा तो आई हैव टू क्विट मुझे क्विट करना पड़ेगा विच आई विल नॉट प्रेफर एनी वेज ठीक है मैं कभी भी तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम क्विट करो ठीक है दैट्स अ थिंग तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो तुम सारे कि अगर जो भी तुम्हें यूँ लगे ना कि भाई बस मुझसे तो नहीं हो रहा तो इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू टू गो हार्ड समझ रहे हो गो हार्ड जहाँ भी तुम्हें फील हो जाए कि आई डोंट वॉन्ट डो इट मुझे फील नहीं हो, बहुत हो रहा बहुत डिप्रेशन हो रखा है लाइफ में कोई मेरी बात नहीं सुन रहा ऑल ऑफ़ दीज थिंग्स इट्स यू टू गो हार्ड समझ रहे मेरी बात को इट्स टाइम फॉर यू टू गो दैट्स ऑल ये चीज़ रहा था और बहुत सारी चीज़ें भाई जिंदगी में बताऊँ क्या है? एक फिलासफी तुम अपने दिमाग में बैठ के बिठा लो एक फिलासफी बिठा लो कि जिंदगी में ना कभी भी या तो तुम कुछ एक्सपेक्ट मत करो पहली बात तो एक्सपेक्टेशन से होता है ना इंसान क्या करता है बहुत सारे इंसान एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो अपने प्रेजेंट को छोड़ के ना अपने फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन में रहे होते हैं ठीक है

इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट दैट अपने प्रेजेंट मोमेंट जो काम कर रहे हो उसको स्केल करने की सोचो ठीक है जैसे कि इफ़ आई एम डूइंग लेट्स कोई भी एक स्किल सेट लेट्स इफ आई एम डूइंग एडिटिंग राइट नाउ तो मैं अपने आप को विजुअलाइज करूँगा एक बहुत तगड़े एनिविश्स बनाते हुए समझ रहे हो वो चीज़ तुम अपना इनिशियल काम करते हुए पूछ देगी बिकॉज वो तुम्हारी चीज़ का पार्ट है ठीक है समझ रहे हो मेरी बात को वो तुम्हारे स्किल सेट का पार्ट है देखिए ऑप्टिमिस्टिक जगह पर जाकर ही लगेगी वो विजुअलाइजेशन लेकिन ये बेफालतू तो विजुलाइजेशन बैठ के स्पोर्ट्स का इमेजिन कर रहे हो ये सब एक धोखा है भाई बहुत दूर है अभी ये सब चीज़ें ठीक है मैं यू नहीं कह रहा कि चीज तुम्हें तो नहीं मिल सकती बिल्कुल तुम तो में इतनी मेहनत करोगे उसके हिसाब से तुम्हें तो आउटकम मिलेगा बिल्कुल मिलेंगी लेकिन आसान शब्दों में कह रहा हूँ कि ये सब सोचने का पॉइंट नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें तो रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा और मैंने एक चीज हमेशा नोटिस करी है कि जो लोग उन पॉइंट पर पहुंचे हैं ना जी वैगन और पी एमडब्ल्यू एम फाइव कॉम्पिटिशन ये सब गाड़ी जिनके पास एक्चुअली में है वो लोग फोकस्ड काम पर ज्यादा थे गाड़ियों पर कम ठीक है तुम लोग गाड़ियों पर ज्यादा और काम पे कम गाड़ियां जो है वो तुम्हारे काम से आएगी तो गाड़ियों को सोचने से काम नहीं होगा काम को सोचने से काम होगा काम करोगे काम में इतना व्यस्त हो जाओगे काम में इतना गुम हो जाओगे कि तुम्हारा काम तुम्हारा कर्म कि तुम उन गाड़ी तक तो अपने आप पहुँचा देगा फिर गाड़ी तुम्हारे पास तो अपने आप आ जाएगी ठीक है आई होप तुम्हें थोड़ा सा माइंड सेट हाइप जो मैंने दिया है तुम्हें हेल्प करेगा उस फेज से बाहर आने के लिए अपने काम से कभी बीटी मत लेना ठीक है काम से बीटी होना लाजमी सी बात है एक दिन ऑफ लो दो दिन ऑफ लो घूमने जाओ ठीक है ऐसा कुछ नहीं है कि जहां पे बी टी हुई वहां पर और हाथ पैर मार के अपना आप आउट कर करूँ नहीं अपनी बॉडी से पूछो वो क्या चाह रही है ठीक है क्या उसे रेस्ट चाहिए क्या स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा वो चाहिए थोड़ा सा प्लान थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए कुछ चेंज करना चाहिए कुछ मूव चेंज करना चाहिए ये चीज़ अपने आप से पूछो ठीक है आई एम श्योर तुम जैसी चीज़ अपने आप से पूछोगे तुम्हारे अंदर से एक जेनुअन ऑनेस्ट आंसर आएगा ठीक है उस ऑनेस्ट आंसर को सुनो मैं चाहता हूँ तुम सब अपने गट को स्ट्रांग बनाओ इस दुनिया में तुम्हें पूरी जगह से ओपिनियंस मिलेंगे हर जगह से ओपिनियंस मिलेंगे जिसका खुद का गट और जिसका खुद का इनर सेल्फ एस्टीम्ड या फिर कॉन्फिडेंट नहीं होगा वो पूरी दुनिया के ओपिनियंस को अपने ओपिनियन से ज्यादा प्रोडाटाइज करेगा ठीक है हाँ मैं यू नहीं कहता कि लोगों के कुछ ओपिनियंस सारों के गलत होते हैं नहीं कुछ के सही होते हैं और कुछ के सुनने चाहिए लेकिन पूरी दुनिया के नहीं बिकॉज क्या होता है ना इवेंचुअली जब तुम बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करने लगते हो ना तो तुम पूरी दुनिया के फ्रेगमेंट्स बन जाते हो तुम्हारा खुद का कोई पर्सनैलिटी तुम्हारा खुद का कोई ओपिनियन नहीं होता वोज थे ठीक है सुनो सबकी एक्सट्रैक्ट करो अच्छी चीज़ें उसके बाद देखो कि क्या वो मेरे ओपिनियन से अलाइन हो रहा है क्या मैं उसके ओपिनियन के अंदर अपना क्या एड ऑन कर सकता हूँ और फिर क्या तीसरा अच्छा अपना खुद का ओपिनियन ड्राइव कर सकता हूँ चीज़ों को ऐसे देखो तुम तो एक चीज़ नोटिस करो कि जिस दिन तुम ये चीज़ों को ऐसे देखने लगे ना तो लाइफ काफ़ी ऑप्टमिस्टिक हो जाएगी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी ठीक है बिकॉज तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी ओपिनियंस क्या है तुम क्या सोचते हो तुम कैसे मूव्स लेते हो उस टाइम पर तुम पूरी दुनिया पर लाइट नहीं होगी कि मुझे क्या करना चाहिए मम्म पापा से पूछूँ या नहीं पूछूँ क्या करना चाहिए क्या सही रहेगा क्या मेरी फैमिली के लिए सही रहेगा क्या मेरे लिए सही रहेगा और कुछ टाइम के बाद लोग तुम्हें मेच्योर परसीव करने लगते हैं कि हाँ भाई मेरा बच्चा मेच्योर हो रहा है वो चीज़ों को समझ रहा है वो मेच्योरिटी जब भी आएगी जब तुम खुद को इतना काबिल बना दोगे कि तुम्हारे ओपिनियन्स ज्यादा चल रहे हैं एज कम्पेयर टू और और लोगों के ओपिनियंस बिकॉज तुम्हारे ओपिनियन मेचोरटी झलकती है और वो मेचोरिटी जब भी आएगी जब तुम एक्चुअली एक्चुअली में खुद के ओपिनियंस बनाना शुरू करोगे जस्ट कंज्यूमिंग एवरी थिंग ठीक है मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों के ओपिनियंस को सुनो लेकिन उनको यू का यू कंज्यूम मत करो ठीक है यू का अपने अंदर बसाओ मत समझ रहे हो देखो क्या वो तुम्हारे साथ अलाइन हो रहे हैं हो रहे हैं तो शायद यू शुड गो फॉर इट नहीं हो रहे तो डोंट डू इट ठीक है किसी भी पता है आजकल ना इंसान क्या हो चुका है एक इंसान ना दूसरों के ओपिनियंस का एक पुतला है वो खुद कुछ नहीं है वो इंटरनेट पे इतनी चीज़ें देखता है इतनी चीज़ें देखता है इतनी चीज़ें देखता है कि वो फ्रैगमेंट बन जाता है हर एक क्रिएटर का जिसको वो देखता है ठीक है तुम से तुम्हारा नाम एक आकाश है तुम आकाश नहीं हो तुम अ पार्ट ऑफ हमजा हो अ पार्ट ऑफ एंड्री हो पार्ट ऑफ यू वॉच हो मे बी अ पार्ट ऑफ मी तुम आकाश नहीं हो समझ समझे मेरी बात को तो तुम्हें आकाश बनना पड़ेगा ठीक है तुम्हें आदित्य का पार्ट नहीं बनना तुम्हें एंड्रू का पार्ट नहीं बनना तुम्हें हमजा का एक पार्ट नहीं बनना हमजा हमजा है एंड्रू एंड्रू है ठीक है ईमान गादजी ईमान गादजी है पर क्या आकाश आकाश है आई होप तुम तुम्हें फिर कुछ समझ पा रहे हो एंड आई होप मैंने तुम्हें काफ़ी ब्रीफली चीज समझा दी है तो इन शॉर्ट अगर तुम उस स्थल पॉइंट पे हो जो मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था तो भाई हाथ पैर मारो वहाँ से बाहर निकलना है तुम्हें तो यू हैव टू आई देंज यूर स्ट्रैटेजी और यू आई दैव टू चेंज योर प्लान स्टार्ट सॉल्व स्किल सेट कुछ भी ठीक है लेकिन वेट मत करना क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग गलती कर जाते हैं और यहाँ पे कंपटीशन सत्तर से अस्सी परसेंट टूट जाता है समझ रहे हो कहीं पे भी अगर स्टक हो ना तो बी ब्लेस्ड अबाउट इट के वाइल हम स्टक रहे ना हो ठीक है क्योंकि उससे क्या हुआ ना क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है ना जिंदगी में जहाँ पर मैं स्ट्रक होता हूँ ना जब जब मैंने गिवअप नहीं किया ना तब तब मैं अपनी लाइफ में एक दूसरे पर निकलने पहुँचाऊँ जब 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 एक स्ट्रक ऑफ पॉइंट मेरी लाइफ में आया ना तब तब मैं एक दूसरे लाइफ के समय पहुंचाऊँ ये चीज़ मैंने हमेशा देखी है हमेशा ठीक है तो प्लीज़ गिव अप मत करना कभी भी गिव अप मत करना जब तुम ये थ्रेशोल्ड पॉइंट आता है ना इसका मतलब सिर्फ यही है कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा चाह रहा है ठीक है सो दैट्स ऑल स्टे ऑप्टेमिस्टिक कीप ग्राइंडिंग काम करते रहो मेरी वीडियोज़ तुम्हें पसंद है प्लीज़ देखो ठीक है नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं अपना ध्यान रखो मुझे शायद नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम मेरा हीटर हो तुम मेरे कुछ भी हो तुम मुझे बुरा बोलते हो बुरा बोला कोई दिक्कत नहीं है मैं दिल से चाहता हूँ जो भी एक माँ बाप का इंसान का बच्चा है वो अच्छा ही करे जिंदगी में डजन मैटर बिट्स और इट्स फाइन मैं चाहता हूँ हर एक इंसान जिंदगी में सब कुछ हर कुछ अच्छा ही करे और अपने माँ बाप के लिए करो अपनी फैमिली के लिए अपने लिए करे और आखिर में कंटेम रहे समझ रहे हो तो विश यू ऑल द वेरी वॉक एंड बेस्ट थैंक्सूल टू दिस वीडियो और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट है कोई थॉट तुम्हें बहुत गिर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए प्लीज़ लेते कमेंट सेक्शन मेरे कमेंट्स फटते हैं कि मुझे तुम्हारे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज अब मैं सोचता हूँ कि मेरे वैसा लगता है कि मेरी ऑडियंस जो मेरा कनेक्शन है ना वो काफ़ी अच्छा है ठीक है तो कोई भी दिक्कत हो पूछो अगर मेरे नहीं कर पाया तो हम श्योर कोई एक इंसान तो होगा जो तुम्हें हाथ देगा हाथ बटाएगा ओके ऑल सी नेक्स्ट पीस अपना ध्यान रखो